मध्य प्रदेश का रीवा रियासत, जो दुनिया भर में सफेद शेर की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। रीवा को एक और शख्सियत अपनी मेहनत और कौशल से पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वो शख्स कोई और नहीं, वो हैं हमारे लीडर ज्ञानेंद्र शर्मा जी। दोस्तों, ज्ञानेंद्र जी का जन्म 5 जनवरी 1985 में विंध्य पर्वत से घिरे रीवा जिले के कुशहा ग्राम के श्री राम लखन शर्मा जी के परिवार में हुआ। ज्ञानेंद्र जी अपनी मां श्रीमती किशोरी शर्मा व पिता श्री राम लखन शर्मा की चौथी संतान व सबसे छोटे होने के कारण सबके दुलारे बने रहे। बचपने से ही बड़ी बहन और बड़े भाइयों का प्यार व दुलार ज्ञानेंद्र जी को मिलता रहा। गांव की प्राइमरी स्कूल से पढ़ने के बाद आगे की पढ़ाई ज्ञानेंद्र जी ने गंगा हरा से करी। ज्यादा प्यार व दुलार में पले बढ़े ज्ञानेंद्र का अधिकांश समय खेलकूद और रचनात्मक कार्यों में बीता। कुछ अलग करने की धुन के कारण ज्ञानेंद्र जी ने भोज विश्वविद्यालय को चुना, जहाँ उन्होंने हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन पूरी की। इसके बाद उन्होंने सरकारी संस्थान से आईटीआई करने का निर्णय किया। माता पिता का आशीर्वाद और ज्ञानेंद्र जी की मेहनत रंग लाई और आईटीआई करने के दौरान इनका चयन भारतीय सेना में हो गया। कम उम्र में ही देश सेवा का जज्बा लिए ज्ञानेंद्र जी घर से निकल पड़े। और भारतीय सेना में रहकर पूरी तल्लीनता के साथ मां भारत की सेवा करने लगे।
तरह चलता जा, तू आंधी की तरह बढ़ता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, ये धर्म है तेरा लड़ता जा। सूरज की तरह चलता जा, तू आंधी की तरह बढ़ता जा, तू कदम तेरे कभी रुकेना। जय हिंद की सेना। मई 2010 में ज्ञानेंद्र जी का विवाह अर्चना जी के साथ संपन्न हुआ। दो साल के उपरांत उनके दाम्पत्य जीवन में कार्तिकेय ने जन्म लेकर पूरे परिवार को खुशियों से भर दिया। सन 2013 में रांची में पोस्टिंग के दौरान ज्ञानेंद्र जी की मुलाकात हंसमुख और मिलन स्वभाव के धनी श्री अमित कुमार दुबे जी से हुई। अमित कुमार दुबे जी ने डायरेक्ट सेलिंग फील्ड के बारे में ज्ञानेंद्र जी को बताया। ज्ञानेंद्र जी जीवन में हमेशा से ही कुछ नया करने की चाह रखते थे और इसी चाह के कारण वे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ गए। एक तरफ सेना की रूटीन लाइफ और दूसरी तरफ कुछ बड़ा कर गुजरने का सपना। सेना में एक दशक के बाद ज्ञानेंद्र जी ने अपना पूरा समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देने का निर्णय लिया। इनके इस निर्णय से परिवार के लोग बड़े आहत हो उठे, पर ज्ञानेंद्र जी ने अपना पूरा ध्यान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ओर लगा दिया। जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव आते हैं और अपनी मंजिल को पाने में बहुत सी कठिनाइयां भी आती हैं। ऐसा ही कुछ ज्ञानेंद्र जी के साथ भी हुआ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी मेहनत और लगन से काम करने के बाद भी सही प्लेटफॉर्म न मिलने के कारण ज्ञानेंद्र जी का हौसला पूरी तरह टूट चुका था। साथ ही परिवार का विरोध भी सहन करना पड़ रहा था। दिल हंसते हंसते रो पड़ा, दर्द आंसुओं में है बड़ा। दिल हंसते हंसते रो पड़ा, दर्द आंसुओं में है बड़ा। टूटी सब से यारी, मैं तो जिंदगी से हारी, गई सांसों को दुखा के कहां पे ये हवा। क्यों रबा इस कदर तोड़े आवे के एक टुकड़ा न छोड़े आवे, धड़कने के लिए धड़कनों में कुछ ना बचा। क्यों रबा इस कदर तोड़े आवे के एक टुकड़ा न छोड़े आवे, धड़कने के लिए धड़कनों में कुछ ना बचा। नसीब था बुरा, जो सोचा था वो ना हुआ। दूर से जो लगा समंदर था वो मंजर रेत का। दिल का नसीब था बुरा, जो सोचा था वो ना हुआ। दूर से जो लगा समंदर था वो मंजर रेत का। धोखा दे गई तकदीरें, झूठी निकली लकीरें, करूँ किस पे यकीन समझ में आया। क्यों रबा इस कदर तोड़े आवे के एक टुकड़ा न छोड़े आवे, धड़कने के लिए धड़कनों में कुछ ना बचा। क्यों रबा इस कदर तोड़े आवे के एक टुकड़ा न छोड़े आवे, धड़कने के लिए धड़कनों में कुछ ना बचा। La 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 la
असफलताओं से टूटे ज्ञानेंद्र जी को कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। हताशा और निराशा की इस घड़ी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के महागुरु श्री शिव कुमार जी और अमित कुमार दुबे जी 1 सहयोग ज्ञानेंद्र जी को मिला और एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का प्लान देखने का मौका मिला। वो कहते हैं ना कि अगर अच्छे मार्गदर्शक, गुरु और दोस्त मिल जाएं, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। माता पिता का आशीर्वाद हो साथ में जब गुरुजनों का आशीष मिले हर बात में जब बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो हर बाधा का हल हो अपने हाथ में जब करना है कर लेंगे कर सकते हैं अपनी तो बस यही जिद है हर हाल में अब बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है तो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो 5 जन्य की गूंज सुनाई देती है। ज्ञानेंद्र जी को हर कदम पर सीनियर्स का साथ और सही प्लेटफॉर्म के कारण उनकी राहें आसान होती चली गईं। अभी आगाज है तेरा बहुत कुछ सीखना है कमर कसनी अभी बाकी है मुट्ठी भींचना है अभी आगाज है तेरा बहुत कुछ सीखना है कमर कसनी अभी बाकी है मुट्ठी भींचना है भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू यही है जिद यही है रार बस अब जीतना है लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख कसौटी वक्त की है हौसलों को खोल के रख जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। इसी बीच 2016 में ज्ञानेंद्र जी के परिवार में प्यारी सी बिटिया ज्ञानवी ने जन्म लिया। बिटिया का आना मानो साक्षात लक्ष्मी जी ने अपने चरण ज्ञानेंद्र जी के परिवार में रख दिए। बिटिया के जन्म के कुछ दिन बाद ही ज्ञानेंद्र जी सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। एक के बाद एक लेवल को पार करते हुए जल्द ही कंपनी के रूबी स्टार के बाद सफायर लेवल अपने नाम कर लिया। कुछ बड़ा कर गुजरने की तमन्ना लिए ज्ञानेंद्र जी ने सोचा अब तो कुछ बड़ा मुकाम हासिल करके ही जमाने को दिखाना था। ज्ञानेंद्र जी ने विरोध और निराशा को अपना हथियार बनाया और अपने ज्ञान अनुभव और विवेक के आधार पर AWPL में और कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया और कुछ ही समय के बाद कंपनी में डायमंड रैंक को हासिल कर लिया। कर सकता है तो मैं क्यों नहीं क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले मुट्ठियां का भींच गए सांसों का खींच गए मुट्ठियां शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ। अचीवमेंट्स का ये सिलसिला
यूं ही जारी रहा और 6 महीने बाद ही ब्लू डायमंड, उसके 5 महीने बाद ब्लैक डायमंड रैंक अचीव किया। एस्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हुए ज्ञानेंद्र जी को कंपनी के सीईओ, एमडी श्री संजीव कुमार जी और कंपनी के टॉप लीडर श्री अनिल कुरी जी और कंपनी के टॉप अचीवर नेटवर्क मार्केटिंग के किंग कहलाए जाने वाले श्री महिपाल सिंह जी, कंपनी के अम्बेसडर लीडर श्री शिव कुमार जी, कंपनी के क्राउन लीडर श्री अमित कुमार दुबे जी, इन सभी लीडर्स के भरपूर सहयोग के रहते हुए ज्ञानेंद्र जी ने अनेकों देश विदेश की यात्रा की, जैसे दुबई, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, थाईलैंड और मालदीव्स जैसे अनेक देशों की यात्रा सपरिवार की है। आज ज्ञानेंद्र जी अपने परिवार के साथ एक आलीशान घर में रहते हैं और अपने परिवार को पर्याप्त समय देते हैं। ज्ञानेंद्र जी करोड़ों रुपयों की कमाई कर चुके हैं और उनके महीने की कमाई लाखों में है। आज ज्ञानेंद्र जी की पहचान एक सफल बिजनेसमैन के रूप में होती है। ज्ञानेंद्र जी आज उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उनके हर कदम पर उनका साथ दिया। इस ग्रेट अचीवमेंट के लिए वो अपने सीनियर्स और AWPL परिवार का आभार प्रकट करते हैं। आज हम श्री ज्ञानेंद्र शर्मा जी को कंपनी में रॉयल डायमंड रैंक अचीव करने पर ढेरों बधाइयां दें।